शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार 4 अगस्त को सावन माह की चतुर्थी तिथि है। शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो यदि आप अपने घर में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहे और आपके घर में धन धान की वर्षा करे, तो आज के इस वीडियो में हम आपको घर के मुख्य द्वार पर यदि आप एक चीज बांध देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में भरपूर धन रहता है, धन की वर्षा होती है। माता लक्ष्मी आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देंगी। क्या करना है इस उपाय के लिए? इस उपाय के लिए आपको एक लाल स्वच्छ कपड़ा लेना होगा, रेशमी कपड़ा नया ले आप, ज्यादा अच्छा होगा। साथ में फिटकरी, जी हाँ, फिटकरी का उपाय आपको करना है। फिटकरी हमारे घर से नकारात्मकता को दूर करती है और हमारे घर में सकारात्मकता का प्रवेश कराती है। तो लाल स्वच्छ कपड़े में आपको क्या करना है, फिटकरी लेना है। फिटकरी के 2 से 3 टुकड़े आप ले लें, छोटे छोटे। इसी के साथ में उसमें आपको 5 लौंग डालने हैं, जी हाँ, साबुत फूल वाले लौंग आपको डालने हैं और इन दोनों को बांध देना है आपको, और बांध कर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको बांध देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी और सावन के इस पवित्र माह में महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।